Hello everyone, welcome to my YouTube channel Tech Guru. Please click on the like, share and subscribe button. Hello everyone, my name is Deepak and welcome back to my channel. प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि हम विंडोज 7 को कैसे इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं ताकि आप विंडोज 7 को यूज़ कर सकें अपने ईवीई लैब को सेटअप करने के लिए। इस सेशन में हम सीखेंगे कि हम राउटर और स्विच की इमेज को कैसे ऐड कर सकते हैं ईवीई मशीन में, ताकि अगर आपको अपने नेटवर्क को सेटअप करने के लिए राउटर और स्विच की ज़रूरत हो तो आप उसे यूज़ कर पाएँ। राउटर का यूज़ करके आप अपने डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेशन करा सकते हैं, और स्विच का यूज़ करके आप अपने सिस्टम में मल्टीपल वीलैन को कॉन्फ़िगर कर पाएंगे और मल्टीपल कंप्यूटर्स को भी आपस में कनेक्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें लॉगिन करना होगा अपनी ईवीई मशीन पर। तो उसके लिए हम ओपन करेंगे गूगल क्रोम ब्राउज़र को। ब्राउज़र के ओपन होने के बाद आपको वेब ब्राउज़र यूआरएल में टाइप करना होगा आपकी ईवीई मशीन का आईपी एड्रेस। आईपी है 192.168.146.128। एंटर किया तो आपके सामने ईवीई का लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको एंटर करना है यूज़र नेम। तो डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम है एडमिन और पासवर्ड है ईवीई। साइन इन पर क्लिक किया तो आप अपने ईवीई मशीन में लॉगिन हो गए। ये दोनों लैब्स को हमने अपने प्रीवियस वीडियो में कॉन्फ़िगर कर लिया था। आज हम ऐड करेंगे राउटर एंड स्विच को। तो उसके लिए मैं यहाँ पर नाम देता हूँ लैन डिवाइसेस। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। ऐड फोल्डर पे क्लिक किया तो ये आपका फोल्डर ऐड हो गया। देन आपको क्लिक करना होगा इस फोल्डर पर। क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा ऐड न्यू लैब ऑप्शन पे। तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको एंटर करना होगा आपकी लैब का नेम। तो मैं लैब का नाम देता हूँ डिवाइसेस। सेव पे क्लिक किया तो ये आपकी लैब सेव होगी और ये पेज आपके सामने ओपन हो गया। देन आपको राइट क्लिक करना होगा। क्लिक करें कि नोड ऑप्शन पे। यहाँ पे हम फाइंड करेंगे राउटर एंड स्विच को। पहले हम फाइंड करेंगे स्विच को। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया स्विच, तो आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा है सिस्को स्विच का, लेकिन ये हाईलाइट नहीं है क्योंकि अभी मैंने इसको ऐड नहीं किया। सेम वेरीफाई करते हैं राउटर के लिए। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया राउटर, तो ये राउटर का ऑप्शन भी अभी हाईलाइट नहीं है क्योंकि राउटर को भी मैंने अभी ऐड नहीं किया। पहले हम राउटर और स्विच को करेंगे ऐड। उसके लिए आपको नेमिंग कन्वेंशन का पता होना चाहिए। नेमिंग कन्वेंशन के लिए मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ। न्यू टैब ओपन करके सर्च करते हैं ईवीई एनजी को। तो यहाँ पे टाइप करेंगे ईवीई हाइफन एनजी। एंटर किया, फर्स्ट लिंक पे जाएंगे। लिंक ओपन होने के बाद आपको जाना है डॉक्यूमेंटेशन टैब में। तो क्लिक किया, डॉक्यूमेंटेशन में आने के बाद आपको जाना होगा क्यूम्यू इमेज नेमिंग ऑप्शन पर। ये पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद आपको इसे करना होगा स्क्रॉल। स्क्रॉल किया, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे लिखा है L3 सिस्को राउटर एंड L2 सिस्को स्विच। जब आप स्विच की इमेज को ऐड करना चाहेंगे तो आपको फोल्डर क्रिएट करना होगा VIOS L2 hyphen के नाम से, और जब आप राउटर को ऐड करना चाहते हैं तो आपको फोल्डर क्रिएट करना होगा VIOS hyphen के नेम से। ठीक है,
तो मैं इसे कर देता हूँ यहाँ से क्लोज। क्लोज करने के बाद इसे यहाँ से करते हैं मिनिमाइज। मिनिमाइज करने के बाद आपको लॉगिन करना होगा अपने ईवीई मशीन पर विद द हेल्प ऑफ पुट्टी एप्लीकेशन। तो ओपन करते हैं पुट्टी एप्लीकेशन को। यहाँ पर आपको टाइप करना है आपके ईवीई मशीन का आईपी एड्रेस। तो आईपी है 192.168.146.128। देन आपको जाना होगा अपीयरेंस में, क्लिक करेंगे चेंज ऑप्शन पे। फ़ॉन्ट साइज मैं कर देता हूँ 16। ओके पे क्लिक किया, देन ओपन पे क्लिक किया। तो यहाँ पर आपको एंटर करना है यूज़र नेम। यूज़र नेम है आपका रूट, एंटर किया। पासवर्ड है ईव, एंटर किया। तो ये आपका ईव मशीन लॉगिन हो गया। प्रेस करता हूँ कंट्रोल एल। देन आपको लॉगिन करना होगा अपने विन एससीपी एप्लीकेशन में, ताकि आप अपने ईवीई मशीन में राउटर और स्विच की हार्ड डिस्क को अपलोड कर सकें। तो ओपन करेंगे विन एससीपी एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन को ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना होगा आपके ईवीई मशीन का आईपी एड्रेस। तो आईपी है 192.168.146.128। यूज़र नेम है रूट, पासवर्ड है ईव। लॉगिन पे क्लिक किया तो ये आपकी मशीन लॉगिन होगी। लेफ्ट हैंड साइड पर है आपकी विंडोज 10, जो कि मेरी बेस मशीन है, और राइट हैंड साइड पर है आपका ईवीई मशीन का डेटा। यहाँ पर हमारे पास दो हार्ड डिस्क अवेलेबल हैं, पहली हार्ड डिस्क और दूसरी हार्ड डिस्क। फर्स्ट हार्ड डिस्क है राउटर की इमेज और सेकेंड है आपकी स्विच की इमेज। तो उसके लिए आपको पर्टिकुलर लोकेशन पे जाना होगा। लोकेशन पे जाने के लिए आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे रूट पाथ। देन आपको जाना होगा ओपीटी नाम की डायरेक्टरी में, ओपन किया। ओपीटी के बाद जाएंगे यूनिट लैब में, यूनिट लैब के बाद जाएंगे एडोन्स में, एडोन्स के बाद क्यूम्यू में। तो ये दोनों डायरेक्टरीज अवेलेबल हैं जो हमने अपने लास्ट वीडियो में क्रिएट की थी। अब हमें एक और डायरेक्टरी को यहाँ पे क्रिएट करना होगा। तो डायरेक्टरी को क्रिएट करने के लिए आप यहाँ से डायरेक्टरी भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो इसे हम करेंगे क्लिक। यहाँ पर आपको देना है फोल्डर का नेम। पहले मैं ऐड करूँगा राउटर की इमेज को। राउटर की इमेज को ऐड करने के लिए आपको फोल्डर क्रिएट करना है vios- के नेम से। तो यहाँ पे नेम देता हूँ vios- और यहाँ पे लिख देता हूँ राउटर। ओके पे क्लिक किया तो ये आपकी डायरेक्टरी क्रिएट होगी। डायरेक्टरी क्रिएट होने के बाद आपको इमेज को करना होगा अपलोड। तो इस फोल्डर को करेंगे ओपन। ओपन करने के बाद आपको इस इमेज को करना है अपलोड। तो करेंगे इसे अपलोड। ओके पे क्लिक किया तो ये इमेज आपकी अपलोड होगी, लेकिन आपको इसे करना होगा रीनेम। तो मैंने इस इमेज के अंदर आर वर्ड को ऐड किया है अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये मेरी इमेज है राउटर की इमेज, तो आप इसे करेंगे रीनेम। रीनेम करने के लिए आपको यूज़ करना होगा पुट्टी एप्लीकेशन का। पुट्टी एप्लीकेशन में आपको सेम लोकेशन पे जाना होगा। जाने के लिए आप कमांड यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे cd /opt/unit-lab/addons/qmu/vios/router। एंटर किया, टाइप करेंगे ls कमांड। तो ये आपकी हार्ड डिस्क आ गई। इस हार्ड डिस्क को हम करेंगे रीनेम। रीनेम के लिए कमांड हम यूज़ करेंगे mv space tab की प्रेस की। देन आपको टाइप करना होगा नेम। तो नेम रहेगा आपका virtioa.qcow2। एंटर किया, फिर से टाइप करते हैं ls कमांड। तो ये आपकी हार्ड डिस्क रीनेम होगी। हार्ड डिस्क को रीनेम करने के बाद आपको परमिशन कमांड यहाँ पर एग्जीक्यूट करनी होगी। तो आप यहाँ पर टाइप करेंगे कमांड /opt/unit-lab/
रैपर स्लैश UNL underscore wrapper space hyphen a space fixed permissions, एंटर किया। कमांड आपकी एग्जीक्यूट होगी, वेरीफाई करेंगे अपनी लैब से। तो ओपन करता हूँ गूगल क्रोम ब्राउज़र को, राइट क्लिक किया, क्लिक करेंगे नोड ऑप्शन पे। यहाँ पे मैं टाइप करूँगा राउटर, तो ये नेम आपका अब हाईलाइट हो गया। क्लिक किया, देन आपको क्लिक करना होगा सेव ऑप्शन पे, तो आपके सामने ये राउटर आ गया। ठीक है, यानी कि मैंने राउटर की इमेज को सक्सेसफुली ऐड कर लिया। अब हम ऐड करेंगे स्विच की इमेज को, तो इसको फिर से कर देते हैं मिनिमाइज। मिनिमाइज करने के बाद आपको फिर से इमेज को करना होगा अपलोड, तो उसके लिए हम वापस चलेंगे सेम लोकेशन पे। लोकेशन थी आपकी रूट, रूट के बाद था आपका ओपीटी, देन यूनिट लैब, देन एडोन्स क्यूम्यू, देन आपको यहाँ पर क्रिएट करना है एक फोल्डर। फोल्डर को क्रिएट करने के लिए हम क्लिक करेंगे न्यू ऑप्शन पे, डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का आपको नाम देना होगा VIOSL2 हाइफन, ये मेरी स्विच की इमेज है, तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ स्विच। ओके पे क्लिक किया, तो ये आपकी डायरेक्टरी क्रिएट होगी। डायरेक्टरी को करेंगे ओपन, देन आपको इस स्विच की हार्ड डिस्क को करना होगा अपलोड, तो राइट क्लिक किया अपलोड, डिफ़ॉल्ट लोकेशन रहने देंगे। ओके पे क्लिक किया, हार्ड डिस्क आपकी अपलोड होगी। इस हार्ड डिस्क को भी आपको करना होगा रीनेम। रीनेम करने के लिए हम जाएंगे पुटी एप्लीकेशन पे, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ फिर से कमांड cd, कंट्रोल l की प्रेस कर देता हूँ। टाइप करेंगे cd स्पेस स्लैश opt यूनिट लैब add-ons qmu vios l2, एंटर किया, ls कमांड टाइप की। इस हार्ड डिस्क को हमें करना होगा रीनेम, तो रीनेम की कमांड है mv स्पेस टैब की प्रेस की, तो ये आपका हार्ड डिस्क का नेम आ गया। न्यू नेम देंगे यहाँ पे virtioa.qcow2, एंटर किया, हार्ड डिस्क रीनेम होगी। ls कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये आपकी हार्ड डिस्क रीनेम होगी। देन आपको यहाँ पर परमिशन कमांड को करना होगा एग्जीक्यूट। कमांड आपकी स्लैश opt स्लैश यूनिट लैब रैपर UNL underscore रैपर स्पेस माइनस ए स्पेस फिक्स परमिशंस, एंटर किया, कमांड आपकी एग्जीक्यूट होगी। इसे भी वेरीफाई करेंगे, तो ओपन करेंगे गूगल क्रोम ब्राउज़र को, राइट क्लिक किया, क्लिक करेंगे नोड ऑप्शन पे। यहाँ पे मैं टाइप करूँगा स्विच, तो आपके सामने ऑप्शन आ गया सिस्को स्विच, क्लिक किया, इसे हम करेंगे सेव। सेव करते ही आपके सामने आ जाएगी स्विच की इमेज, तो मैंने स्विच को भी ऐड कर लिया अपने EVE मशीन में। तो इस तरह से आप अपने राउटर और स्विच की इमेज को ऐड कर सकते हैं, ताकि आप अपनी लैब को क्रिएट करने के लिए राउटर और स्विच की इमेज को यूज़ कर पाए। अब मैं इस लैब को क्लोज़ कर देता हूँ। लैब को क्लोज़ करने के लिए आपको जाना होगा क्लोज लैब ऑप्शन पे, तो ये आपकी लैब क्लोज हो जाएगी। अब करेंगे तो ये आपका लैन डिवाइसेस के अंदर मैंने राउटर और स्विच की इमेज को ऐड कर लिया। अब हम इसे कर देते हैं साइन आउट, इसे कर देता हूँ क्लोज, इसे भी यहाँ से कर देंगे क्लोज। ओके पे क्लिक किया, इसको भी कर देते हैं क्लोज, यस पे क्लिक किया, तो ये आपकी लैब क्लोज होगी। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हमने सीखा कि हम राउटर और स्विच की हार्ड डिस्क को कैसे ऐड कर सकते हैं अपनी EVE मशीन में, ताकि आप उसे यूज़ करके अपनी लैब को सेटअप कर पाए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और दोस्तों के साथ भी इसे शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।